तो गुड आफ्टरनून गाइस, आज भी हम लोग जा रहे हैं बाहर साइट विजिट पे, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला व्हाट आई ईट इन अ डे वाले वीडियो पे। हेलो, कल तो मैंने नहीं बनाया था, देखो सूरज। हेलो, हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे। पायलट भैया रेडी हो गए प्लेन उड़ाने के लिए। भैया स्लो चलिएगा, केस लगाए दो ठो। एक ठो है, दो ठो। 2000 रुपए, 2000 नहीं तो 200। तो हमारे साथ तुषार अंकल भी है और उनकी वाइफ भी जाएगी रास्ते में, उनको थोड़ा काम है, तो उधर हम लोग बहुत दूर जाएंगे। हम लोग एक जगह पे रुके हुए हैं, जो मैंने आपको बताया था तुषार अंकल की वाइफ भी आई है, तो वो लोग फिर से अपने मामा के घर पे आए हैं कुछ काम से। जो भी हो, दादा ही गाड़ी में बैठा, उल्टी सा आने लगा। रास्ते में जो हो ऑनलाइन पेमेंट, एक अंकल मिल गया, उनसे खरीद लिया गया। गाँव ऑनलाइन पेमेंट। फोन इतना ज्यादा गर्म हो जा रहा है कि बहुत हैंग कर रहा है, बहुत सारी चीजें कट कट के आ रही है, मुझे नहीं पता। तो देखो ये है यहाँ का लोकल कोन आइसक्रीम, जो कि मैंने आज तौर पे ले लिया है, ₹80 का। बहुत तो गाइस देखो, ये है तुषार अंकल के मामा का घर। यहाँ पे देखो धान का प्लांट लगा हुआ है गाइस, कभी इतना करीब से धान मैंने नहीं देखा था। देखो कैसे लगे हुए, अभी पके नहीं है, अभी भी टाइम लगेगा, पर कितना सुंदर लग रहा है देखो। चलो गाइस, अब हम अपने ऑफिस के लिए निकलेंगे, काम ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली तुषार अंकल के मामा का जो है तबीयत ख़राब है, तो हम लोग उन्हीं से मिलने आए थे। जैसे कि साइड इसी तरफ ही है, तो जस्ट 5 मिनट का दूरी पर हम लोग उन लोगों से मिल लिए हैं। अभी आगे आगे वो लोग जा रहे हैं, देखो आंटी भी है साथ में, दोनों ही मिलने आए थे, तो उनसे मिलना हो गया। अभी हम लोग ऑफिस के लिए निकलेंगे, ठीक है। One hour later. तो गाइस देखो, अभी मैं आके पहुंचा घर, तुषार अंकल के मामा के घर से। देखो कितना सारा ये दिया लेबू, और ये बहुत डिफरेंट टाइप का लेमन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये गोंदराज लेबू है। इसको राइस में डाल के खाया जाता है, और इसका स्मेल जो है बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होता है नॉर्मल लेमन से। और मम्मी यहाँ पे मेरे लिए ग्लूकोज पानी बनाई है, बहुत गर्मी है गाइस। और बज रहा है अभी, पता है कितना गाइस, 4 बज रहा है अभी, शाम का 4 बज चुका है, दोपहर का खाना ही नहीं हुआ। जो भी हो, साइड का सारा काम खत्म हो गया, अब फिर कब जाना होगा ठीक नहीं है। जो भी हो, लेट वहीं तुषार अंकल के मामा के घर में हुआ। Later that same evening. तो गाइस देखो, कल तो मैंने ये पिज्जा नहीं बनाया, बट आज बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसका वो रैप नहीं निकाला है, बस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितने अच्छे से पैकेजिंग होके आया है। एक फ्रोजन फूड है, बट कितना अच्छे से पैकेजिंग होके आया। वेट, मैं आप लोग को खोल के दिखा दूँ कि क्या क्या ऊपर से टॉपिंग डाला गया है। तो गाइस देखो, टॉपिंग्स में यहाँ पे है पिज्ज़ा और एक मिर्ची है, इसका नाम हैलपिनो या जेलपिनो मुझे नहीं पता। टॉपिंग में यहाँ पे पनीर में बोल रहा हूँ पिज्ज़ा, और उसका पिज्ज़ा सॉस भी डाला हुआ है, कितना सुंदर तरीके से डॉट 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 करके डिज़ाइन बनाया हुआ है। और कैप्सिकम है, और ये उसके बाद चीज़ भी डाला हुआ है, चेडर चीज़ है शायद। जो भी है गाइस, ये है 99 रुपीज़ में मुझे मिला था अमेज़ॉन फ्रेश से, मैंने मंगाया था। मैं एक बार और फिर से आपको डब्बा दिखा दे रहा हूँ, अगर आप लोग भी चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ देखो चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगैनो भी दिया, डब्बे के अंदर ही है। वेट, निकल जा, देखो गाइस ये है। 20 मिनट्स लेटर गाइस, फाइनली जो पिज्ज़ा है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब मैंने इसमें गलती से चिली फ्लेक्स डाल दिया था बिना वीडियो बनाए, अभी मैं डाल रहा हूँ आप लोग के सामने। डालो क्रिशो, देख तो अच्छा रहा है गाइस, अभी टेस्ट करने के बाद पता चलेगा फ्रोजन पिज्जा कैसा लगता है खाने में। देखो कटिंग तो हो गया है, जैसे स्ट्रिंग्स निकलते हैं डोमिनोज पिज्जा वगैरह में, वैसा तो नहीं निकला क्योंकि ये फ्रोजन है, ऑब्वियसली वैसा नहीं निकलेगा। तो पहला मैं देता हूँ क्रिशु को, ये लो खा के बताओ कि कैसा लग रहा है। मैंने बहुत अलग वे में काटा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और पिज्जा थोड़ा छोटा है। कैसा लगा? चलेगा चलेगा, इतना कुछ खास नहीं है। अच्छा ठीक है, अब जुगल तुम भी ले लो एक पीस। ट्राई करो, कैसा लगा? ठीक ही लग रहा मुझे, नॉर्मल है टेस्ट।
ठीक है चलो गाइस अब मैं भी खा के देख लेता हूँ एक बार। तो गाइस टॉपिंग का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, बट जो बेस है वो एकदम मतलब सॉगी लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर का जो टॉपिंग है वो बहुत अच्छा है, चीज़ और पनीर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था, बाकी इतना कुछ खास नहीं लगा। आपका लाइसेंस है? आपको गाड़ी चलाना है? अरे कहना क्या चाहते हो? आपका लाइसेंस है? सच में बोलो ना। नहीं लाइसेंस तो नहीं है, गाड़ी चलाना आता है। झूठ बोल दिया, आपको मुंह बहुत अच्छा चलाना आता है, आपको एक लाइसेंस बना लेना चाहिए। बना दो। तो गाइस एक रील, मेरा लाइसेंस है, उसके लिए लाइसेंस है, उसका लाइसेंस है मम्मी के पास। तो गाइस ये एक रील पे देखा था, मैंने सोचा मम्मी पे भी अप्लाई कर दूं, तो उसमें चप्पल से मार पड़ा था, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा। गाइस आज डिनर में चावल खाया जा रहा है, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया था, साइट विजिट करके आते आते घर 4 बज गया था, तो कुछ खाया नहीं था। वैसे भी दोपहर को ऐसे नॉर्मल वही पुचका वगैरह खाया था और आइसक्रीम वगैरह। तो देखो यहाँ पे है दालमा राइस, और ये है वही गोंदराज लेबू जो तुषार अंकल के मामा के घर से हम लोग लेके आए थे। उसके साथ भिंडी का भुजिया, और ये है बैगन पोड़ा, बैगन का भरता। ठीक है तो आज बहुत सिंपल डिनर है। यहाँ पे पापा भी मेरे साथ राइस खा रहे हैं। देखो कैसा लगा पापा खाना? चलो हम भी अपना डिनर कर लेते हैं गाइस।